रिजल्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अभी मार्कशीट के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मार्कशीट के साथ डाउनलोड कर सकते हो रिजल्ट को। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी बिहार बोर्ड की तरफ से लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। जी हाँ, लिंक पूरी तरह से काम कर रहा है। आप लोग आसानी से रोल कोड, रोल नंबर डालकर रिजल्ट को चेक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कितने बजे जारी होगा, कैसे आपको चेक करना है और आपको मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चैनल पर न्यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली सभी नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर वह दिन आ ही गया। जी हाँ, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे को लेकर लगातार सभी छात्र एवं छात्राएं असमंजस की स्थिति में थे। आखिर मैट्रिक के नतीजे कब घोषित किए जाएंगे? आपको बता दें कि सभी विद्यार्थियों का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है आज 29 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। 29 मार्च को रिजल्ट जारी होगा कितने बजे, तो ध्यान से सुनिए सभी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। मुख्यतः यह छात्रों का ही नहीं बल्कि हम सभी का इंतजार है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का इंतजार सिर्फ आप स्टूडेंट्स को ही नहीं, आपके पेरेंट्स को भी है और हमें भी है, हम सभी यूट्यूबर को भी है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देंगे। वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, इस वर्ष जो है 16 लाख से अधिक मैट्रिक के छात्र जो है परीक्षा दिए थे और परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 16 लाख से अधिक। रिजल्ट कल को ही जारी होने वाला था क्योंकि रिजल्ट को लेकर कल से ही स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाया, इसीलिए रिजल्ट को जो है अब आज जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी जानकारी दे देता हूँ कि 17 मार्च को जो है मूल्यांकन यानी कॉपियों का जांच जो है समाप्त हो गया था। आपको पता होगा कि 24 मार्च को जो है पेपर हुआ था मोतिहारी जिले का गणित का, जिसको लेकर 26 मार्च को जो है पूरी तरह से पेपर को चेक कर लिया गया था। ठीक है, जो पेपर मोतिहारी जिले में 24 मार्च को हुआ था, वो पेपर 26 मार्च को पूरी तरह से कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका था। अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से रिजल्ट जो है डिक्लेयर यानी क्लियर हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर करना है, यानी रिजल्ट को अब सिर्फ जो है जारी करना है। वेबसाइट पर पूरी तरह से रिजल्ट जो है अपलोड हो चुका है, बस ये देखा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ना होने के बाद कुछ ही पल में रिजल्ट को जो है अपलोड कर दिया जाएगा। कभी भी किसी भी समय रिजल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे रिजल्ट को लेकर कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट जो है इसी वेबसाइट पर जारी होगा, ऑनलाइन BSEB.in। ठीक है, आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है रिजल्ट चेक करने को लेकर, लेकिन रिजल्ट बाकी वेबसाइट पर जो है मतलब कि बाकी वेबसाइट जो है कवर नहीं करेगा, बहुत स्लो चलता है बाकी वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन हर साल प्रतिवर्ष जो है इसी वेबसाइट पर रिजल्ट चेक होता है और इस साल भी इसी वेबसाइट पर रिजल्ट चेक होगा। इस वेबसाइट पर बहुत ही अच्छा यह वेबसाइट है, काम बहुत अच्छा करता है और रिजल्ट इस पर आसानी से आप लोग 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन BSEB.in, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहां पर आपको ऑप्शन मांगेगा रोल कोड रोल नंबर का, और ये जो ऑप्शन 9+5 है इसको जोड़कर यहां पर 14 लिखकर डाल देना है, और यहां पर जो है आप लोगों को सर्च वाले बटन पर क्लिक करके रिजल्ट को चेक कर लेना है। यह आसानी पूर्वक आपका रिजल्ट जो है शो करेगा, लेकिन अभी नहीं। रिजल्ट मैं बात कर लेता हूं कितने बजे जारी होगा, तो यहां पर जो है 1 बजे बताया जा रहा है कि 1 बजे रिजल्ट को जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 बजे रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जारी कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर न्यूज़ है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। सभी PDF सभी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला जाता है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहेगा। यदि अगर आपके मन में कोई और सवाल हो नीचे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं से हम समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे।